हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जिसका नाम टिपोली है वो लेकर आपके सामने आई हूँ। जैसा कि इसका नाम है टिपोली, वैसा इसमें आप जो है टी के रूप में, कॉफी के रूप में इसे ले सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन टी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नेचुरल एस्थानजिन और एफिबोलिक एसिड, जो कि जो है स्किन के लिए जो बहुत अच्छा है, जो कैंसरस पेशेंट है उनके लिए अच्छा है। बीपी कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, और जितना भी बॉडी में जहां पर भी गांठ बांध दिया है, अर्थराइटिस है जिनको, रिमोटाइटिस है, वो सबको कंट्रोल करता है। इसका यूनिक फीचर्स जो है वो टी ट्री का, उसका बता रहे हैं मैं कि हेल्थ बेनिफिट जो है ग्रीन टी का कैप्सूल के फॉर्म में है, और यूनिक फार्मूला विथ थ्री फाइथोकेमिकल जो इसको एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट का रूप देता है। उसके बाद हम आते हैं, ये बहुत फ्री रेडिकल रिमूवर है, डिस्ट्रॉयर है, इसको रस्ट रिमूवर भी कहा जाता है, फ्री रेडिकल रिमूवर, और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर के खतरे को रिड्यूस करता है। फ्री रेडिकल के तौर पर, स्केवेंजर्स के तौर पर काम करता है ये, और हार्ट के डिजीज जिसको है उससे उसको भी कंट्रोल होगा, उसके रिस्क को कम करेगा। प्रिवेंट आरबीसी ब्रेकडाउन, हमेशा हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन होता रहता है, तो आरबीसी के ब्रेकडाउन को ये प्रिवेंट करता है। रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव इंफेक्शन, किसी को भी बहुत जल्दी जल्दी फूड पॉइजन हो जाता है या तो प्रॉब्लम है पेट की, उसको भी ठीक करेगा। एंटीऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ सेल्स, उसको ठीक करेगा। डिले एजिंग ऑन लॉन्ग टर्म यूज, रिकमेंड हम किसी किसी कर सकते हैं। हम जो है एडल्ट एंड एजेड को, जो इसके छोटे बच्चे को नहीं देना है, एडल्ट और एजेड को। पीपल प्रोन टू एक्ने प्रॉब्लम, जिन जिनको एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है उन्हें बोल सकते हैं हम। रिकमेंड फॉर प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक्स, जिसको शुगर है, या तो प्री डायबिटिक है या तो डायबिटिक है, उन्हें हम रिकमेंड कर सकते हैं। और पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं हम। पीपल विथ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम और इन्फेक्ट इन्फेक्शन, इम्पेयर इम्यून सिस्टम जिनका हमेशा खराब रहता है, एल्कोहलिक एंड स्मोकर्स, जो लोग शराब पीते हैं, कोई तरह का नशा लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा रिस्क हर बीमारी का हो जाता है, हार्ट का और लिवर्स लंग्स, सब बड़ा बड़ा फंक्शन उनका पॉइजेनियस हो जाता है, वो लोग यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी जो है वो बहुत फायदेमंद है, उसको कैप्सूल को तोड़ के आप चाय के फॉर्म में ले लीजिए, गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं, कॉफी में ले सकते हैं। इससे आपको जो है एलर्जी जो है किसी तरह का वो ठीक होता है। ग्रीन टी फाइट ऑफ एलर्जीज, ग्रीन टी जो है आपको जो है स्मार्टर बनाता है, स्किन जब ग्लो करेगी तो जाहिर सी बात है कि आप स्मार्टर दिखोगे। स्किन पर जो ग्लो लाता है ग्रीन टी, आंखों के लिए, दांत के लिए बहुत फायदेमंद है ग्रीन टी। और इसका जो है ये हेल्प करता है, आपके लीवर को ठीक करता है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है आपके जितना भी जो है आपके पूरा जिसम पूरे बॉडी को जो है पूरा डेवलपमेंट को ठीक करता है, आपको हैप्पी बनाता है, खुश हैप्पी का एक वाइब्स होता है, जैसे कि आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, आप फिट रहोगे तो जाहिर सी बात है कि हैप्पी हैप्पीनेस आपको आएगा ही, एंजॉय करेगा लाइफ लाइफ को, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है ये, और आई साइट, आपकी आई साइट को भी ये, मतलब आंखों की दृष्टि जो है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है ग्रीन टी। उसके साथ ही आपके फैट को बर्न करता है। ये जो है देखिए सर, फोर्थ स्लाइड में आपने देखा कि ये इम्यूनिटी को प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जहां आपका डिस्टर्ब रहा, बहुत सारी बीमारी होती है, एलिमिनेट फैट फ्रॉम बॉडी, सारे बॉडी का जो फैट है उसको एलिमिनेट करता है, रिमूव्स बैड कोलेस्ट्रॉल, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको रिमूव करता है, रिड्यूस डायबिटिक रिस्क, डायबिटिक का जो रिस्क है उसको कम करता है, आपके वेट को लॉस करता है, और प्रिवेंट
प्रिवेंट अल्जाइमर, पार्किंसन एंड डिमेंशिया। अल्जाइमर पार्किंसन बहुत खराब बीमारी है, उससे पूरे जिस्म का पार्ट जो है वो काम करना बंद करता है, थरथराने लगता है, कुछ होल्ड करने की ताकत खत्म हो जाती है। अल्जाइमर जो है दिमाग का भी रिलेटेड है, उससे आदमी याददाश्त आदमी का कमजोर, कुछ नहीं याद रहता है। और डिमेंशिया भी एक तरह की बीमारी, वो सबसे इसको प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट एक्ने बाय रिड्यूसिंग सीबम, सीबम को जब रिड्यूस करता है स्किन से तो एक्ने भी कंट्रोल हो जाती है। स्टिमुलेट लॉन्ग एंड हेल्दी ट्रेसेस, लॉन्ग और हेल्दी ट्रेसेस जो है वो हो जाएगा। इम्प्रूव मेमोरी अलर्टनेस, आपकी मेमोरी पावर भी जो है इम्प्रूव कर जाएगी और अलर्ट अलर्टनेस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम और भी इसका देखते हैं, ग्रीन टी का जितना भी और भी फायदा है वो, जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज के ठीक है, दांतों के लिए ठीक है, हार्ट के लिए ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए ठीक है, डायबिटीज के लिए ठीक है ना। मेंशन हेल्दी जो है, ओवरऑल पूरा सिस्टम जो आपका जो हेल्दी हो जाएगा, स्ट्रेंथन देगा दांत को, आंख को, आपके मुंह को, जितना भी बैक्टीरिया उसको ठीक करेगा, जितना भी रिड्यूस प्लाक एंड बैक्टीरिया इन योर माउथ है, दांतों में प्लाक हो जाते हैं और बैक्टीरिया हो जाते हैं, उनको रिड्यूस करेगा। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें पूरा है, फूड पॉइजनिंग सबको बचाएगा, हेल्दी स्किन देगा, फ्रेश ब्रेथ आपको देगा है ना। और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, और हेल्प हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए अच्छा है, बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एस्थाजिन जो है, एस्थाजांथी, एस्थाजांथिन जो है वो जो है 6000 ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गर है आपके विटामिन सी से। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये सब लोग जानता है, उससे 6000 गुना जो है पावर इसका ज्यादा है। किसका? एस्थाजांथिन है ना। रिड्यूस रिंकल्स, आपके रिंकल्स को रिड्यूस करेगा, आपके रिंकल्स को ये रिड्यूस करेगा, आपके स्किन को टाइट करेगा है ना। नेचुरल सनस्क्रीन का काम करेगा, सनस्क्रीन हम बाहर जाते हैं धूप में सनस्क्रीन लगाते हैं, उसका ये काम करेगा। और ब्रेन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यूवी रेज जो है बाहर में पड़ती है स्किन पर, स्किन टैन हो जाती है, उसको कंट्रोल करेगा। और इम्यून सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को, सबको कंट्रोल करेगा। मेल फर्टिलिटी जो है वो ठीक करेगा, हार्ट लंग्स लीवर जो है उसको सपोर्ट करेगा, आपके आई साइट को ठीक करेगा और कार्डियोवास्कुलर को सपोर्ट करेगा, और जितना भी आपका डैमेज सेल है उसको रिपेयर करेगा। एंटी एजिंग सर्कुलर सिस्टम जो है ठीक करेगा। एस्थाजिन परफॉर्मेंस, एनर्जी लेवल को आपके परफॉर्मेंस करेगा। ये आप स्लाइड में, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, 5 पावरफुल रीजन ऑफ टेकिंग टेक एस्थाजांथिन। प्रोटेक्ट योर स्किन, इम्प्रूव योर विजन और रिड्यूस कैंसर और प्रोटेक्ट योर हार्ट। ये 5 है। स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्यूटी फ्रॉम विद इन है ना। क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट, इस सब तरह से जितना भी रिजल्ट है, ट्रायल जो है पूरा रिसर्च करके हम लोगों तक पहुंचा है। और कोई भी इतना हम लोग बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, ना ही हमारे पास मेजरमेंट है कि आप तराजू से तौल के डेली जो है बैलेंस डाइट लीजिए, तो उसका ये सारा चीज जो है इंग्रेडिएंट इसमें मिला हुआ है, जिसमें आपको कुछ मेजरमेंट की जरूरत नहीं, वो कैप्सूल फॉर्म में आपके पास पहुंच गया है। ये सब तरह से स्टडी करके, की इन विट्रो स्टडी रिजल्ट, कैसे कैसे लेना है वो भी बताया जाता है। अल्फा लियोपिक एसिड जो है वो डायबिटीज के लिए फाइट करता है, खास इसमें डाला हुआ जो थर्ड वाला इंग्रेडिएंट्स, ब्रोकली में, स्पाइनक में, ये सब जो है अल्फा लियोपिक जो है अल्फालोपिक एसिड मिलता है, टोमेटोज में, स्पाइनक में, ब्रोकली में, पोटैटोज में, और ऑर्गन मीट है, बीट से, चुकंदर, ये सब में मिलता है। व्हाट इज इट फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या है, ये जो है बहुत बेनिफिशियल है। इसमें क्या क्या ऑप्टेन है, व्हाट आर दिस फंक्शंस, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम है पूरे मतलब कि आपके हेल्थ को अच्छा रखना, आपके ब्रेन को अच्छा रखना, आपके मेटाबोलिज्म को ठीक करना, और आपके पेंक्रियाज जो मेन प्रॉब्लम होता है, शुगर जो लेवल जो ये हो जाता है, पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, तो डाउन और लो होता है, तो उसको ये ठीक करेगा, पेंक्रियाज को स्ट्रांग करेगा। आपका जितना भी जो है इंटेस्टाइन है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को ठीक करेगा। पेंक्रियाज जब स्ट्रांग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है ये भी शुगर लेवल भी ठीक होगा। उसके बाद आप जो देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिसको है उसके लिए ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन जिनको है, ज्यादातर जल्दी जल्दी जो है लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है, और
जितना भी आपका आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज है उसको दूर करेगा। ये मेन आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से जगह जगह ज्वाइंट में पेन होता है, वो सबको साफ करेगा, ये क्लियर करेगा। लेपोइक एसिड फॉर सेलोराइसिस, सेलोराइसिस एक तरह की बीमारी है जिसमें आदमी बच्चे की तरह बन जाता है, उसका फंक्शन जो है एकदम काम करना कम कर देता है। इट इज न्यूरो प्रोटेक्टिव, न्यूरो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट, और अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो है नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करने में अवॉइड करता है। और ये इसमें इतना अच्छा, ये जो इंग्रेडिएंट्स है अल्फा लिपिक एसिड के बारे में, इम्प्रूव सिस्टम ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, इम्प्रूव इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, एक्ट सिनर्जी विथ एसिटिल एल कार्बोनेट एज एंटी ऑक्सीडेंट, में स्लो प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर्स का जो प्रोग्रेशन उसको स्लो करता है। डायट्री सोर्सेज स्पाइनक ब्रोकली, इसका डायट्री सोर्सेज है स्पाइनक ब्रोकली। सप्लीमेंटल डोज 300 to 900 mg पर डे। ये किसका? अल्फा लिपिक एसिड का है। तो आपको जो है इसमें जो है सारा चीज मिल ही रहा है, तो जो है इसमें जो हम जो क्यों ऐसा करें, तो 60 कैप्सूल का जो है डब्बा है हमारे पास टिपोली, वो देख रहे हैं कि इसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स इतना अच्छा है। तो आप नाश्ते के बाद जो है इसको नॉर्मल पानी में एक कैप्सूल ले सकते हैं, और आपको डॉक्टर से जो दवा खा रहे हैं वो आप खा सकते हैं। ये दवा नहीं, ये सप्लीमेंट है, ये आम आदमी भी खा सकता है। तो आपने देखा कि कितना अच्छा ये सप्लीमेंट है हमारा, जितना भी सप्लीमेंट है सब माइंड ब्लोइंग है, सब मार्वेलस है। आप जो है कुछ भी इसको खा सकते हैं, जिसको नहीं है तो वो आगे दिन के लिए सिक्योर करके खाए, ताकि कल को वो इसको ये प्रॉब्लम ना हो। तो सिर्फ ये जो है आर्थराइटिस ही के लिए नहीं, इतना सारा डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, और जिनको जो हमेशा जो है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इम्यून सिस्टम जिसका जो है वीक है ना, जिसको हार्ट का है वो भी ले सकता है। सिर्फ बच्चों को नहीं देना है, और नाश्ते के बाद आप एक खा लीजिए। और किसी को भी, आप में से किसी को भी अगर कोई क्वेरीज है इसके बारे में, आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में जाके आप जो है उसमें डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगी। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आगे भी मैं आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी अलग अलग वीडियो डालूंगी। मैं ज्यादातर अपने प्रोडक्ट के बारे में डालती हूँ, और हमारा नेटवर्किंग का भी है वो भी मैं डालूंगी कभी। ठीक है, थैंक यू।